हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ एज। तो दोस्तों, ऐसे यूज का कई सारे मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज का एज का अर्थ होगा चूँकि। क्या होगा? एज का अर्थ चूँकि। दोस्तों, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे एज को? सबसे पहले लिखेंगे एज, उसके बाद लिखना है एक सेंटेंस, जो सेंटेंस कारण बताएगा। क्या बताएगा? कारण। उसके बाद एक और सेंटेंस लिखना है जो उसका इफेक्ट बताएगा, यानी प्रभाव को बताएगा। दोस्तों, जैसे एग्जांपल है, एज मनीष इज ए गुड टीचर, एज मनीष इज ए गुड टीचर, यू शुड रिस्पेक्ट हिम, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। चूँकि मनीष एक अच्छे शिक्षक है, इसलिए यहाँ पर कॉमा का अर्थ कुछ हिंदी में होगा इसलिए, इसलिए यू शुड रिस्पेक्ट हिम, इसलिए तुम्हें उनका आदर करना चाहिए। चूँकि मनीष एक अच्छे शिक्षक है, इसलिए तुम्हें उनका आदर करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, एज यू आर माई ब्रदर, यू शुड ओबे मी, यू शुड ओबे मी, कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, एज इट इज संडे, एज इट इज संडे, आई एम इंजॉइंग टीवी, चूँकि रविवार है, चूँकि क्या है? रविवार है, इसलिए मैं टीवी का आनंद ले रहा हूँ, यानी टीवी देख रहा हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, एज आई हैव गॉट कोल्ड, आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज दीज डेज, I am not making videos these days. चूँकि मुझे जुकाम हो गया, यानी सर्दी हो गया, इसलिए आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज दीज डे, इसलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, एज सी इज इल, सी इज अबसेंट टूडे, चूँकि वह बीमार है, इसलिए वह आज क्या है? अनुपस्थित है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज यू आर माई सर्वेंट, यू मस्ट ओबी मी, चूँकि तुम मेरे क्या हो? नौकर हो, सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार एज का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।